बेटी को कफन ओढ़ाने के वीडियो वायरल होने के बाद एएसआई तथा दो आरक्षक हुए सस्पेंड। मंदसौर जिले में हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक के साथ प्रेम विवाह किया तो गुस्साए परिजनों ने बेटी से रिश्ता तोड़ थाने पर ही युवती को कफन ओढ़ाकर कहा कि अब हमारे लिए बेटी मर चुकी है। मामला मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के क्यामपुर गाँव में रहने वाली हिंदू युवती आस्था पिता गोविंद सोनी मंदसौर संजीत नाका निवासी मुस्लिम युवक साहिल के साथ एक वर्ष पहले भाग गई थी। मामले में युवती के पिता नाहरगढ़ थाने पर बेटी के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। घर में से भागने के बाद युवती ने मुस्लिम युवक से निकाह कर मुस्लिम धर्म अपना लिया। एक साल बाद रविवार को युवती अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ थाने बयान देने पहुँची। लाख समझाने के बाद भी युवती ने अपने पिता के साथ जाने को राजी नहीं हुई। युवती ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसने साहिल से लव मैरिज कर मुस्लिम धर्म अपना लिया है। अब वह आस्था से अनन्या बन गई है। अब वह अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। इसके बाद युवती के पिता ने थाने में ही बेटी को कफन ओढ़ाकर माला पहनाकर और कहा कि आज के बाद मेरी बेटी हमारे लिए मर चुकी है। इसके बाद बेटी अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ चली गई। थाने में हुए इस नाटकीय घटनाक्रम का वीडियो परिजनों ने बनाया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर मंदसौर पुलिस अधीक्षक ने एक एसआई और दो कांस्टेबल को निलंबित किया है। शामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। सोनी निवासी कायमपुर, मेरी बच्ची जो कॉलेज पढ़ने जाती थी दस साल भर पहले, साढ़े साल पहले उसका कॉलेज से जाते हुए बस स्टैंड पे अपहरण हुआ या कोई किसी के साथ भागी है कुछ जानकारी में पता नहीं लगा। पुलिस प्रशासन ने भी अपनी अच्छी मेहनत करी, बाकी शर्त है कि वो डेढ़ साल बाद अपना वकील लेके नाहरगढ़ थाने में प्रस्तुत हुई और मुस्लिम युवक से मैं लव करती हूँ ऐसा उसने अपने कागज पेश किए जो मेरे को मान्य नहीं है, ना समाज को मान्य, ना धर्म को मान्य में। तो मैंने अपने बच्चे को वहीं से मृत घोषित मानते हुए अपना धर्म का कफन उड़ाकर अपना अंतिम संस्कार उसको अंतिम विदाई दी है। और धन्यवाद।